नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी। न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेज बंगोपसगर में सृष्टि आउ गोटे लघुचाप क्षेत्र, अति प्रबल वर्षा होगा नहीं सतट जिला को ऑरेंज वार्निंग करागला चारे। तेबे काली सृष्टि होइतिबा घूर्णिबलय प्रभावरे उत्तर पश्चिम बंगोपसगर पार्श्वर्ती पश्चिम ओडिशा उपकूलस्थित समुद्र अंचल रे आज एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइअछि। आगामी दुई दिन जाए उत्तर ओडिशा दक्षिण झारखंड मध्य पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवार संभावनाटे रहिछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर सूचना अनुसार यार प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य अति प्रबल वर्षा होगा नहीं पूरी, जगत सिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज और केन्दुझर जिलापाई ऑरेंज वार्निंग जारी करा। प्रबल वर्षा होगा नहीं 18 जिलापाई येलो वार्निंग जारी करा। 20 तारीख अर्थात आज लघुचाप सृष्टि संभावना नथिबार राज्य में प्रबल वर्षा होगा। यह प्रभाव में केन्दुझर, कोलाहांडी, बौद्ध, अनुगुण, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, बरगढ़, कोलाहांडी और कंधमाल आदि जिलागुड़िक प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा सहित बिजुली घड़घड़ी मारिबार संभावनाटी रही। परवर्ती खबर, समस्त को मिलिबो काड़िया पैसा 5000 टंका, प्रति जिलार हेबो काड़िया केन्द्र। तेबे काड़िया योजना को अधिक श्रृंखलित एवं व्यापक करने विभिन्न समय आवश्यक पदक्षेप नि काड़िया योजना रे प्रति फसल ऋतु प्रारंभ में काड़िया हिताधिकारी चाषी को नगद अर्थ आकार रे सहायता जगह दि जाए बोली कृषि और कृषक सशक्तिकरण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई कहते। सोमवार दिन कृषि भवन ठार आयोजित बैठक में मंत्री श्री स्वाई काड़िया योजनार कार्यकारिता एवं विभिन्न दिग संपर्क समीक्षा करने अवसर में कही जहाँफल प्रति जिले काड़िया योजनार सफल केन्द्र हो प्रत्येक चाषी को काड़िया पैसा मिल। परवर्ती खबर, बंद है हीराकूद जल भंडार आउ 4 गेट, 10 गेट दे जल निष्कासन जारी। तेज बंद है हीराकूद जल भंडार आउ 4 गेट, फल वर्तमान 10 गेट दे जल निष्कासन जारी रही। हीराकूद बाम पार्श्व 6 डाण पार्श्व 4 गेट दे जल निष्कासन जारी रही। तेरे सका 9 सुधा हीराकूद जल भंडार जलस्तर 628.47 फुट रही। प्रति सेकेंड्रे जल भंडार मध्य 242,192 क्यूसेक जल प्रवेश कर 261,254 क्यूसेक जल निष्कासित हो। परवर्ती खबर, प्राथमिक शिक्षक आंदोलन स्थगित, डिसेंबर जाए समय नेले सरकार। तेज स्थगित रहा प्राथमिक शिक्षक आंदोलन, आंदोलन को स्थगित रखा निष्पत्ति निखिल उत्कल प्राथमिक शिक्षक महासंघर महासचिव चारुलता महापात्र सूचनाटी। आंतमंत्री स्तरीय बैठक में शिक्षक संघ सह आलोचना पर दाबी पूरण पर सरकार डिसेंबर मास जाए समय मागिंट। समय अवधि मध्य दाबी पूरण होगा नहीं सरकार प्रतिश्रुति देवापर आंदोलन स्थगित रखा महासचिव कहते। परवर्ती खबर, दशहरा पूर्व केन्द्र कर्मचारियों मिले बड़ उपहार, महंगा भत्ता सहित 3 मास एरियर। तेज गणेश पूजा सहित पार्वण ऋतुर आरंभ हो जाएगी। एक क्रम केन्द्र सरकार कोटि कोटि कर्मचारी महंगा भत्ता वृद्धि लगे अपेक्षा कर रही। गत किसी वर्षर पैटर्न को देखिले केन्द्र सरकार महंगा भत्ता वृद्धि नहीं घोषणा दशहरा पूर्व करथर मध्य किसी एपरी संभावना रही। वर्षर द्वितीय षोड़मास लगे महंगा भत्ता वृद्धि नहीं आशा करा। वृद्धि पर कर्मचारी 45% डीए मध्य मिल। व्यतीत पेंशन भोगी डीएर मध्य 3% वृद्धि होठार सूचाई दि जाए पारे प्रति मास महंगा भत्ता। श्रम ब्यूरो पक्षर औद्योगिक श्रमिकों लगे नूतन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार उपर धार्य करदि सरकार दशहरा सुधा डीएर वृद्धि करेंगे तेरे केन्द्र सरकारी कर्मचारियों 3 मास एरियर मध्य मिल। परवर्ती खबर, ट्रिपल एस रे पुणी निजुक्तिर सुजोग, 900 अधिक पदपे बाहर विज्ञापन। तेज राज्य समस्त चाकरी आशायी मानी आसी एक खुशी खबर, निकट 300 अधिक पदपे निजुक्तिर सुजोग आसी बेले आज पुणी 900 अधिक पदपे विज्ञापन जारी करार्थी को लाबोरेटरी टेक्नीसीयन पदर निजुक्ति दिजाव। प्रार्थी विज्ञापन में युक्त 2 पास करने सहित
मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा करथिबा आवश्यकता रहिछि। मोट 921 टी पद पय ओडिसा सब कोऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पक्ष विज्ञापन जारी करा जाय अछि। प्रार्थीकर बयस योग्यता 21-38 वर्ष मध्य रही आवश्यकता रही बयस कोहल नियम अनुजाई धार्य एससी एसटी ओबीसी आदि वर्गर प्रार्थी 5 वर्ष बयस कोहल करवर्ती खबर समग्र देशर छात्र छात्री मानों पर 6467 स्टैंडर्ड क्लब प्रतिष्ठा करआईसी मानक कक्ष 1,00,000 आर्थिक सहायता तबे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक ब्यूरो घोषणा करिसंती जे देशर स्कूल एवं कॉलेज रे 6467 स्टैंडर्ड क्लब प्रतिष्ठा करि अछि। बीआईएस अनुजाई समाजर युव सदस्य मानंकु जीवनशैली रे उन्नति आणिबा निमन्ते मानदंडर महत्व विषय सचेतनता करिबा पई ए स्टैंडर्ड क्लब प्रतिष्ठा करा जाउछि। छात्र समाज एक शक्तिशाली जीवंत एवं गतिशील भारतर स्थापित अटंती। भारतीय मानक ब्यूरो एक दूरदृष्टि संपन्न पदक्षेप सहित समग्र देश में विद्यालय और महाविद्यालय स्टैंडर्ड क्लब गठन सहित भारत भविष्य को उज्जवल करुछि। परवर्ती खबर पुराना पेंशन स्कीम लागू हेले 4.5% बढ़ी राज्य मानकर पेंशन व्यय रिजर्व बैंक कला सतर्क तेज आगक 5 राज्य में विधानसभा निर्वाचन थे आसंता वर्ष लोकसभा निर्वाचन रही यह सब निर्वाचन एक बड़ प्रसंग पलटि पुराना पेंशन स्कीम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रसंग को निज निर्वाचन प्रतिश्रुति सामिल कर लोकं आकृष्ट करने को उद्यम करसंग राजनैतिक दल मान फायदा देखा बेले राज्यर राजकोषपी एक बड़ बोझे परिणत होबार आशंका रही एक खोद रिजर्व बैंक सतर्क कराई सेप्टेम्बर मसपा प्रकाशित आरबीआई बुलेटिन चेतावनी दि जाए पुराना पेंशन योजना लागू करने द्वारा राज्यगुड़िकर आर्थिक स्थिति खराब हो जाए। परवर्त खबर यह राज्यर सरकारी स्कूल छात्र छात्री को डाक्तरी अध्ययन मिल 5% संरक्षण तेज प्रायत देखा मिली कि छात्र छात्री मैंने अभोग करती केवल घर विद्यालय में बढ़ुवा पाने परीक्षार पास होवार सक्षम हूँ एवं सरकारी विद्यालय पाने को सक्षम नुंती किंबा बहुत समय लगी था मध्य मुख्यमंत्री शिवराज यही छात्र छात्री मानू एक बड़ उपहार मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को बड़ घोषणा करती चलित बर्ष सरकारी विद्यालय छात्र छात्री को डाक्तरी अध्ययन राज्य सरकार 5% संरक्षण प्रदान करेंगे। परवर्त खबर निपा भाईरस 352 जन संक्रमित अवस्था अत्यंत गुरुतर तेज केरल कोझीकोड में गत 4 दिन मध्य निपा भाईरस कौन व्यक्ति संक्रमित हो नापड़े गत काल परीक्षा होता 42 नमूनार कौन संक्रमण मामला चिन्हट होना तेज मोट निपा संक्रमित संख्या 1,233 रही 352 जन संक्रमित अवस्था अत्यंत गुरुतर या 129 जन गुरुतर अच्छा। परवर्ती खबर आमेरिका को अस्त्रशस्त्र बिकिला पाकिस्तान तेज एक रिपोर्ट दाबी करा पाकिस्तान यूक्रेन को जगैवापी गुप्तचर चुक्ति अनुजाई आमेरिका को अस्त्रशस्त्र विक्रय कर बदल अर्थनैतिक संकट में घेरी रही पाकिस्तान को आईएमएफ एक बेल आउट पैकेज प्रदान कैबी को समर्थन कर पाकिस्तानी एवं आमेरिका सरकार दलिलगुड़ी को रिपोर्ट में उल्लेख कर तेज पाकिस्तान सरकार यह अभोग को खंडन करलैन अनुसंधानकारी वेबसाइट इंटरसेप्ट रिपोर्ट प्रकाश कर रिपोर्ट कह कि यूक्रेन सेनार व्यवहार पर पाकिस्तान एवं आमेरिका मध्य चुक्ति रिपोर्ट अनुजाई यह चुक्ति आमेरिका पाकिस्तान चाप पक अभोग। परवर्त खबर सरकार यह लोक मानी बढ़ाइले आईटीआर दाखल कर तारीख 30 नवेम्बर है नुआ डेट तेज इनकम टैक्स विभाग आयकर रिटर्न फाइल करने लगी तारीख को बढ़ाई दि जाए साधारण करदाता नुहे सरकार इनकम टैक्स रिटर्न दाखल करने शेष तारीख 30 नवेम्बर को बढ़ाई दि जाए आयकर वेबसाइट बा ऑफलाइन माध्यम आपण इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें सोमवार दिन सरकार कहते कंपनी गुड़ी को आयकर रिटर्न दाखल करने लगी लास्ट डेट 30 नवेम्बर पर्यंत कर
ଏବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଡିଟ୍ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡିଟ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ନିୟମ ତାରିଖ ଗୋଟିଏ ମାସ ବଢ଼ାଇ 31 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୁଆକୁ ତୁଆ ଭିଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା, 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର। ତେବେ ତୁଆକୁ ତୁଆ ଭିଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି 19ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ସେହିଭଳି 20 ତାରିଖରେ 22ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 21 ତାରିଖରେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍। ତେବେ ପୁରୀ ଓ ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏଣେ ବୁଧବାର ଉଭୟ ସହର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ହେବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବୁଧବାର ସକାଳ 5ଟାରେ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ୍ ଛାଡ଼ି ଅପରାହ୍ନ 12:45ରେ ରାଉରକେଲାର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହାପରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ସେଠାରୁ 2:10ରେ ଛାଡ଼ି 9:40ରେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିବ। ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ମୋଟ 10ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ରହିବ। ପୁରୀ ଓ ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କେରଙ୍ଗଜା, ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ରହିବ। ଏହି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଠାରେ ଆଉ କାମ କରିବନି 2000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍, ଆଜିଠାରୁ ହେବ ନିଷେଧ। ତେବେ RBI May 19ରେ 2000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହାପରେ RBI ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ନୋଟ୍ ବିନିମୟ ଏବଂ ଜମା କରିବାକୁ ମାତ୍ର 4 ମାସର ସମୟ ଦେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଇକମର୍ସ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମାଜନ୍ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନଗଦ ଡେଲିଭରି COD ଦେୟ ସମୟରେ ଆମାଜନ୍ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ କୋରିୟର ସେବା ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥାଏ ତେବେ ଏହା 2000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। May 19, 2023ର RBI 2000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ର ଚଳାଚଳ ହଟାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। RBI ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଜମା କରିବା ବିନିମୟ କରିବାକୁ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାର୍ଡ, ପୂରଣ ହେବ 24 ପଦବୀ। ତେବେ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ, ଏଣିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ସହିତ ଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମୋଟ 24ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। 2 ଜଣ ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ସରକାରୀ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 4 ଜଣ SI, 2 ଜଣ SI, 2 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର, ହାବିଲଦାର, 6 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ, 2 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବ ବନ୍ଧୁକ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା ପାଇଁ ବି ଦିଆଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ। ଏନେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲିବିଆ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 11,000 ଟପିଲା, 10,100 ଏବେ ବି ରହିଛନ୍ତି ନିଖୋଜ। ତେବେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲିବିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 11,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଲିବିଆର ଡେର୍ନା ସହର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10,100 ଲୋକଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 1 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଡାନିଏଲ ଲିବିଆ ଉପକୂଳରେ ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ 2ଟି ଡ୍ୟାମ୍ ଯଥା ଅବୁ ମାନସୁର ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ଅଲ୍ ବିଲାଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସେଥିରେ ନିଷ୍କାସିତ ଜଳ ଯୋଗୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଡେର୍ନା ସହରକୁ ଭସାଇ ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 25ରେ NRTS ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଆସନ୍ତା 25ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁରାଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟର 57,851 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ପରୀକ୍ଷା।
राज 370 केन्द्र रे परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालन करुछि परीक्षा www.bscodisha.ac.in वेबसाइट रे एडमिट कार्ड टी उपलब्ध रहिछि। परवर्ती खबर एसबीआई रो नुवा पदक्षेप अकाउंट धारीक घर को चॉकलेट पठाइबो बैंक। तेज देशर सर्वबृहत सरकारी बैंक एसबीआई द्वारा एक स्वतंत्र पदक्षेप आरंभ होइछि। देशर सर्वबृहत सार्वजनिक क्षेत्र में ऋण प्रदानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ऋण नहीं व्यक्ति विशेषकर खुचरा ग्राहकों ईएमआई ठीक समय देय देवाई एक निरा पदक्षेप आरंभ कर बैंक कहे मासिक किस्ती पठाइब डिफल्ट होता संभाव्य ऋण हिताधिकारी बैंक चॉकलेट पठाइब। बैंक बृत्ति में कही देय प्रदान डिफल्ट करवा योजना कर ऋण नहीं व्यक्ति मैंने बैंक द्वारा सूचना दिगले भी कौन प्रतिक्रिया करती तेनाली जन नपारे से घर परिदर्शन करने एक भल विकल्प होब। सुध हार वृद्धि मध्य खुचरा ऋण बंटन कर वृद्धि पासी एवं परिस्थित उत्तम ऋण पुनरुद्धार लक्ष्य नहीं पदक्षेपटी। परवर्त खबर दिल्ली में बढ़ी चलती डेंगू रोगी संख्या जड़े डेंगू रोगी मृत्यु तेज देशर राजधानी दिल्ली में डेंगू समस्या बढ़िवार लगी। दिल्ली में राम मनोहर लेहिया हस्पिटाल डेंगू पीड़ित थिबा 38 वर्ष महिला मृत्यु होती। सूचना अनुसार महिला उत्तर प्रदेश में बसवास करुला डाक्तर करवा अनुसार महिला बेहोश अवस्था हस्पिटाल अणा जाइए आईसीयू में रखा जाता। सूचना अनुसार से 17 तारीख में मृत्युवरण कर आरएमएल हॉस्पिटल एवं पर्यंत डेंगू चारिजण मृत्यु होती। सूचना अनुसार दिल्ली में DNV2 डेंगू मशार प्रकोप देखा मिली जहाद्वारा रोगी मानकर अवस्था खराब हो जाए। तेज आशा करुच्छे आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक निश्चित भाव भल लगी। जदि भल लगी वीडियो को गोटे लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करने बिलकुल भी भूलु ना। आपणको भल पाइबा स्वरूप भिडियो को शेयर करदे पुणी देखा हे लेटेस्ट अपडेट्रे से पर्यटन विदाय नौ। वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।